हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से और टाइम हो रहा है 4, अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ आज मोमोज, क्योंकि क्रिस बहुत देर से बोल रहे हैं कि मम्मी मोमोज बना दो। तो मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है, मैं सच बताऊँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, आज तक मैंने कभी नहीं बनाया है। पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। मोमोज बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी और पनीर का मोमोज बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे क्रिस को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि मैं कैसे बनाती हूँ। हमने मैदा ले लिया है, मैदा बस थोड़ा सा ही लिया है, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ, ऐसा ना गड़बड़ बन जाए, इसलिए बस इतना मैदा। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, ना तो तेल ना तो नमक। बहुत लोग इसमें नमक भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, बट मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं सिंपल ही गूंथूंगी और थोड़ा कड़क आटा गूंथेगा इसका। चटनी रहेगी, चटनी से खाना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी डाल के हम गूंथ लेंगे। तो इधर मैंने मैदे को अच्छे से गूंथ के रख दिया, इसे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा तेल। मैदे को हम अच्छे से ढक के रख देंगे थोड़ी देर फूलने के लिए। तब तो इधर गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और ये देखिए ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम पीसेंगे, उसको खोल देते हैं, उसके बाद ये छिलका भी हटा देंगे। और इधर मैंने गाजर और प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्ची नहीं डाली है, मिर्ची भी डाल रहे हैं, हरी मिर्ची। अब इसमें नमक डाल के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो इसका पानी जो है वो सब निकल जाएगा। ये डाल देते हैं हम नमक। नमक इसलिए हम ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि पनीर भी डालना है, तो इसको मिक्स करके रख दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये रहा हमारा पनीर, हम कर लेते हैं पनीर को कद्दूकस। तब से वो पानी अपना छोड़ रहा है, तब से इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये कद्दूकस कर लिया है पनीर को हमने, देखिए काटने से अच्छा है आप कद्दूकस कर लीजिए। तो इसका पानी मैंने देखिए अच्छे से निकाल दिया, एकदम ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ जो पनीर का सीन, वो पनीर। नमक मैंने पहले ही डाला था, तो नमक टेस्ट कर लें, ज़्यादा नहीं, और इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ये पानी रख चढ़ा देंगे और ये है जिसमें हम बनाएंगे मोमोज। इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, फ्लेम स्लो कर देंगे और अभी हम लगा देंगे इसमें लीड। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मोमोज, जो कि भरेंगे क्रिस। तुम ही भरोगे भैया, हमका नहीं आवत, हम बता दी नहीं अपने दोस्त से भैया हम पहली बार बनवे थे, तो खता कसूर माफी। बेल तो लेबे करब, मोमोज बनो दिक्कत। तू बना लेवा क्रिस पक्का? तो फ्रेंड्स, इधर हम लगा देते हैं अपनी चटनी में तड़का, बहुत गर्म है। इधर हमारी चटनी पक रही है फ्रेंड्स, मोमोज ट्राई करती हूँ, भर लेती हूँ कि नहीं देखती हूँ कैसे होगा। भैया ज्यादा फिलिंग डाल रही हूँ, शायद ज्यादा डाल रही हूँ, बंद ही नहीं होगा बस ऐसे। मुझसे नहीं होगा। काट 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 तो भरो ना, तुम ही भरो, मुझको तो आता ही है, तो भरो ना तुम। मैंने दिखाओ, मैंने भूटान से ट्रेनिंग ली है, मुझको तो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और भूट ढक जाएगा भाई, ये ताव से भर दियो। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने मोमोज ये आप देख सकते, एक ये नई डिश बनाई जा रही है, देख सकते हैं हमारे घर में। फ्रेंड्स ये मोमोज है, अब मैं पूरे बना लूं फिर आपको दिखाती हूँ कट। हम देख सकते हैं मैं एक मोमोज बना के आ गई,
और आप बना रहे हैं सेफ क्रिस। चलो दिखाओ जरा तो। वाह यार क्रिस दिख ही रहा। अच्छा काट थोड़ा। चलो मैं तुम भूटान से सीख के आए हो बता रहे थे। क्या सिखाए हैं तुम्हारे गुरुजी? अच्छा मतलब पूरा बन जाएगा तब दिखाओगे। वाह यार तुमसे अच्छा तो मैं ही बनाई हूँ। और इधर हमारी चटनी पक रही है। चटनी तो मुझे लगता है बहुत टेस्टी बनेगी, चाहे कुछ अच्छा बने चाहे ना बने। अगर चटनी अच्छी बन गई तो समझ लो मोमोज अच्छा बन गया। हाँ चलो चलो दिखाओ। इतना तड़ा बना एकदम लग रहा है। इधर गला दिखा रहे हो जैसे मैंने दुकान से। अच्छा मेरा वाला लो। चलो मेरा वाला लो। डिजाइन यार ज्यादा बना। नहीं नहीं चलो ना मेरा वाला लो और अपना वाला लो दिखाओ ना फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा जरा कि मेरा अच्छा है कि इनका। अब हो गया उसमें एक्सपेरिमेंट ना करो। दिखाओ डिजाइन किसके में अच्छी है। सही से नहीं दिखा रहे किसके में। फ्रेंड्स आप मेरा देखियो। अरे मेरे एकदम मार्केट स्टाइल डिजाइन। हाँ देख लीजिए सबसे बेस्ट मेरी। मेरा अच्छा है ठीक है। इनको कुछ नहीं आता फ्रेंड्स। अब जल्दी से बना लेती हूँ। देख सकते हैं मम्मी ने मोमोज बनाना छोड़ दिया। मम्मी अब मोदक बना रही हैं। मम्मी से मोमोज नहीं बना। मम्मी अब मोदक बना रही हैं देख सकते हैं। सबसे नहीं बना। पता नहीं क्या है। यार मोदक अब बना रहे हैं हम लोग। बोले मैं वहां से। नहीं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हटिए यहाँ पे ये दो मोमोज सबसे बेस्ट मोमोज ये मैंने बनाए। नहीं सबसे बेस्ट ये एकदम स्टाइलदार है। जहाँ जो रही है फ्रेंड्स सब कुछ तो अच्छा बना है फ्रेंड्स पर मोमोज बनाना नहीं आ रहे। तो प्लीज अगर आप लोग को आता हो तो मुझको ट्रिक बताइए। बस यही नहीं बन रहा है पता नहीं क्यों। जब मैं आपको बताऊँ एक कहानी। जब कोरोना में गए थे हम लोग। कहानी नहीं रहने दीजिए मम्मी बोर करेगी। चलो ठीक है फिर। हम लोग आपको मोदक मोदक बनाने के बारे में। तो बनाते बनाते फ्रेंड्स पसीना आप देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूँ मैं। ठीक है। हाँ ठीक है। मतलब मम्मी नहीं खाएंगी। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अगर तुम बोलोगे तो एक बार टेस्ट कर लूंगी। नहीं मैं नहीं बोल। अगर बोल नहीं बोलोगे ऐसे होते हैं बच्चे देख लीजिए। कैमरामैन चलते हैं किचन में। चलते हैं किचन में और देखते हैं हमारा मोमोस खोले। वाह क्रिस देखो मस्त हो गया ना। अभी कैसे पता चलेगा। अभी लग रहा है नहीं पका है। अभी थोड़ी देर और ढक दे निकालू ना। हो गए होंगे चेक कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी देर मैंने और ढक दिया था। दिखने में देखिए आप कितने बड़े हो गए मोमोज। बस सेप अच्छा नहीं बना है फ्रेंड्स और तो अच्छा ही है। और ये हमारी चटनी है मोमोज की आप देख सकते हैं। एकदम मोमोज वाली चटनी लग रही है ना। चलिए अब निकाल लेते हैं। गैस को कर देते हैं ऑफ और निकाल लेते हैं ऐसे हाथ से। हाँ कोई दिक्कत नहीं आराम से निकल जा रहा है। फिर डाल देते हैं फ्रेंड्स चाट मसाला जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाट मसाले से है ना। छोटा बड़ा कर लो। छोटे वाले से अच्छा नहीं आता। दिखाओ पका है ना। पास से फोकस नहीं करेगा। पका है। पका तो है। बढ़िया है। बढ़िया है। चलो फ्रेंड्स मेहनत सफल हो गई मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स अब खा लेते हैं। मस्त बना है ना। थोड़ा सा ऐसे मैंने टेस्ट कर लिया था। मैं आपको सच बताऊं और गर्म है इसलिए चटनी ज़्यादा तीखी लग रही है। अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो उतना तीखा नहीं लगेगा। देखो अब खा लिए तो मतलब वो वाला तीखा नहीं लग रहा है। और मोमोज के में मैंने बहुत कम मिर्ची डाली है। बढ़िया ना मज़ा आ गई क्रिस को खा के।
और तो कोई किसी को मैं देखी नहीं मोमोज बनाते हुए, बस वही जब मैं गई थी आनापुर तो दीक्षा बनाई थी दो बार, बहुत टेस्टी, बहुत जहर चटनी है। जब हम बना रहे थे तो इनसे पूछे कि क्रिस चटनी तीखी रहने है, मम्मी एकदम जहर बना सही, हम जहर बन गए, ले खा ले खूब जहर, एक तो पीबे चटनी है, एक तो काम पियो बे ठीक बा, छुआ छुआ खा तो ऐसा ही देख लिया, छुआ छुआ पूरी चटनी धरी है। अब ना कहिए दोबारा कब ना कहिए मम्मी मोमो, अब खा कर कहिए मम्मी पैसा दे दे जाए खा ले, लेकिन बनावा तो ना। क्रिस की शक्ल हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि क्रिस कैमरा में ज़्यादा नहीं आना चाहते हैं, नहीं अभी मैं आपको दिखा दी इनकी एक्टिविटी, ऐसा लग रहा है जिसे कोई जबरदस्ती खिला रहा हो। देखो लेट गए खाते खाते, देख रहे हैं तो ये रखा है, खाते खाते लेट गए, वही अब सेवा समाप्त, हम अब छुट्टी पाए वही खाना खाता मम्मी खा लो भाई होते तो मजा आवत, अभी भाई होते तो बहुत मजा आवत, ना खावे भैया किसे आंसू की क्रिस कैसे करी क्रिस तीखा रहे इतना खुशी रहे कह मम्मी ये तो हमें मम्मी बस इतने में डूबू एक तो मम्मी एक बे छम्मन है एक तो मम्मी है भाई हम एक बार में सब खाए डूबे कि हमें ठीक है तू खा डाबा एक बार में, लेकिन चटनी ऐसा जहर बन गया है इनके बस ही नहीं है, मोदक जो बना है हे भाई ये तो लकड़ी हुई है क्रिस, ये तो लकड़ी हुई है लकड़ी देख ला लकड़ी, अरे यार हसत हसत पिलवा दिया क्रिस, तो कह रहा है कि हम सब खा लो मम्मी, अब हम ही खा पड़े फ्रेंड्स का। दो शब्द क्रिस प्लीज मोदक के बारे में बोल दो बेटा, दो शब्द, इतना मेहनत से मम्मा एक घंटा से बना रही है दो शब्द एकदम सही रिव्यू दो, एकदम मतलब ये ना सोचो कि मेरी मम्मी है जहर जहर क्या जहर ना समझ लियो अच्छा दोबारा कहोगे कभी दोबारा कहोगे मम्मी मोमोज खाना है मम्मी बनाओ कहोगे नहीं हो गया खत्म, चलो ठीक है अब देखो कैमरा सामने बोल रहा हूँ नहीं बोलोगे ना और किस करी तो आप लोग ने देख ही लिया। हाँ बताओ बेटा, अच्छा बना था, अच्छा था, बहुत ही स्वाद था ये था, ये बहुत तीखी थी, ये जहर थी, जहर है, इतना का जहर मिलाया गया था, अच्छा था, अच्छा था, कभी बोलो के बनाने के लिए। हाँ।